वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस अगर आपका कोई भी बैंक हो, अगर गाइस आपके बैंक का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, तो आप उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे बढ़वाएंगे। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका अनलिमिटेड बैंक में अनलिमिटेड अकाउंट होता है लेकिन उनका ट्रांजेक्शन लिमिट बहुत कम होता है। जब वो ट्रांजेक्शन डेली करते हैं तो उनका ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बताता है कि आपका ट्रांजेक्शन लिमिट लग चुका है, आप कुछ देर बाद फिर से ट्राई करें या आपका नेक्स्ट मंथ ट्राई करें। सो गाइस अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आता है तो अपनी इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, उनका ट्रांजेक्शन लिमिट लग जा रहा है, चाहे आपका SBI हो, PNB हो, केनरा हो, इटिस कोई बैंक हो। तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं कि गाइस अगर आपका ट्रांजेक्शन लिमिट लग चुका है, आपको नेक्स्ट मंथ ट्रांजेक्शन करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो को सब कुछ लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को इंक्रीज करेंगे, कैसे आप बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है तो आपके पास पिन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पिन कार्ड नहीं है तो अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को आप इंक्रीज नहीं करवा पाएंगे। तो आपके पास इस तरीके से पिन कार्ड होना चाहिए। जब आपके पास इस तरीके से पिन कार्ड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पिन कार्ड और अपने आधार कार्ड और अपने पासबुक का फोटो कॉपी लेना। फोटो कॉपी लेने के बाद में आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद में आपको अपने बैंक मैनेजर से आपसे बोलना है कि मेरा जो ट्रांजेक्शन लिमिट है 10,000 है, हमको इंक्रीज करवाना है। तो आपका बैंक मैनेजर सबसे पहले आपको बोलेगा कि अगर आपके पास पिन कार्ड है तभी आपके ट्रांजेक्शन लिमिट को इंक्रीज कर देंगे। अगर कैसे आपके पास पिन कार्ड नहीं है तो आप अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप जब बैंक पे जाएंगे तो आपका बैंक मैनेजर आपको यही सलाह देगा कि अगर आपके पास पिन कार्ड होगा तभी अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को आप इंक्रीज करवा पाएंगे। तो आपको इस तरीके से अपने पिन कार्ड को अपने बैंक पे लेके जाना, आधार कार्ड फोटो कॉपी, पासबुक फोटो कॉपी, पिन कार्ड फोटो कॉपी, और जाना जाने के बाद में आपको आपका बैंक मैनेजर आपको एक फॉर्म देगा, आपको फॉर्म को फिल करना। फिल करने के बाद जैसे आप उसको सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको जो ट्रांजेक्शन लिमिट है 50,000 या आपका 1,00,000 तक ट्रांजेक्शन लिमिट कर देगा। आप जितना करवाना चाहते हैं उतना करवा सकते हैं। आप अपने बैंक पे जाना पड़ेगा अपने आधार कार्ड और अपने पासबुक और अपने पिन कार्ड को लेकर के। आप घर बैठे सब काम नहीं कर सकते, आपको अपने बैंक मैनेजर से आपको मिलना पड़ेगा, अपने बैंक पे आपको जाना पड़ेगा, तभी गाइस आप अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करवा सकते। इसलिए गाइस आपके बैंक में यहां पे ट्रांजेक्शन लिमिट होता ताकि आप ज्यादा ट्रांजेक्शन ना कर पाए। लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से कैसे पिन कार्ड बनवा लेना, बनाने के बाद में आपको अपने बैंक पे जाना, अपना ट्रांजेक्शन लिमिट आपको इंक्रीज करा लेना है। तो गाइस अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।